अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम ऑटो कैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 12 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे पॉलीगॉन कमांड क्या होती है, उस पर कैसे काम किया जा सकता है। देखेंगे इंसर्ट पॉलीगॉन इन डिफरेंट मेथड, मुख्तलिफ किस्म से आप पॉलीगॉन शेप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और उसके ऊपर कंप्लीट डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो पॉलीगॉन शेप जो होती है वो क्या होती है, उसे कैसे उस पर काम किया जा सकता है और उस पर उसे आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे पॉलीगॉन शेप जो है वो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन रेक्टेंगल के साथ यहाँ पे आप देखें तो आपको पॉलीगॉन यहाँ पे नज़र आ रही है। रेक्टेंगल के ऊपर आप ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर क्लिक करें तो आपको पॉलीगॉन शेप यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ओके, तो पॉलीगॉन का फंक्शन क्या होता है? अब पॉलीगॉन आप देखें अगर, तो मैं यहाँ से मेन्यू बार पे क्लिक करता हूँ, उसके जो मेन्यू उसको मैं ओपन करता हूँ। ड्रा में देखें तो आपके पास यहाँ पॉलीगॉन नज़र आ रहा होगा। अब जो पॉलीगॉन है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो पॉलीगॉन की जो शॉर्ट कमांड है वो है POL, एंटर करता हूँ मैं। एंटर नंबर ऑफ साइड का कह रहे हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा पॉलीगॉन को आप यहाँ पे क्लिक करें, रेक्टेंगल के नीचे क्लिक करें, पॉलीगॉन एंटर नंबर ऑफ साइड्स में भी दे रहे हैं, और आप ड्रॉ में जाएं, जाने के बाद आप यहाँ पे पॉलीगॉन पे क्लिक करें, एंटर नंबर ऑफ साइड्स में भी दे रहे हैं। तो पॉलीगॉन में आप नंबर ऑफ साइड्स देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4, 5 देता हूँ मैं, एंटर करता हूँ। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, सेंटर जहाँ पर आप क्लिक करेंगे सेंटर पॉइंट होगा। और अब पॉलीगॉन में दो टाइप्स होती हैं, इसकी पॉलीगॉन की स्टाइल जो होता है इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है इनस्क्राइब्ड सर्कल और दूसरा होता है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो मैं पहले इनस्क्राइब्ड करता हूँ, क्लिक करता हूँ इस पर मैं, और यहाँ से आप इसको ड्रॉ करें ज़रा। आप स्पेसिफाई रेडियस इसको देना चाहें तो रेडियस आप दे सकते हैं, तो इसको मैं रेडियस देता हूँ फॉर एग्जांपल 5, इंटर करता हूँ। ओके, तो इसका आ गया जी रेडियस। अब आप इसको चेक करना चाह रहे हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं, मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक कितना एरिया दिया था, इसका रेडियस सही है कि नहीं। तो अब यहाँ पे आप देखिए, हमने डायमेंशन टूल बार के ऊपर डिस्कस किया था, डायमेंशन में हमने रेडियस चेक किया था। अब इसका रेडियस अगर चेक करते हैं तो रेडियस देखें आप, तो उसके लिए मैंने इसको 5 रेडियस दिया है। तो इसका सेंटर पॉइंट एल एंटर करें आप, सेंटर पॉइंट इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट में ले आके आए और फिर देखिए आप ज़रा, तो आप यहाँ से सेंटर पॉइंट अगर आप लेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो है एल एंटर करता हूँ मैं, इसका एंड पॉइंट जो है एंड पॉइंट को इसके सेंटर पॉइंट में, अब यहाँ से आप देखें तो आपको सेंटर पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होगा। सेंटर पॉइंट सामने लाने के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें, हो स्नैप मोड में, हो स्नैप सेटिंग पे क्लिक करें और यहाँ से इन सबको सेलेक्ट ऑल कर दें। ओके, अब यहाँ से एंटर करता हूँ, लाइन है इसके देखें मिड पॉइंट से, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, ये देखें मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट से आप देखें ये जो यहाँ पे स्नैप टू ग्रिड ऑर्थो मोड है, क्लिक करें इसको ऑफ कर दें। ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को यहाँ पे इसके एंड पॉइंट से जोड़ दें। इसी तरह इसका जो मिड पॉइंट है इसको इसे जोड़ दें, ये सेंटर पॉइंट है इसका, ये वाला जहाँ से ये सारे मिल रहे हैं। सी एंटर करें, सॉरी सी एंटर सर्कल के लिए, और मैंने इसको रेडियस कितना दिया था, 5 दिया था। देखें इसे कॉर्नर में ये मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट, हमारे पास इसका रेडियस आ गया, देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट 5 इसका रेडियस आ गया। तो ये जो होता है ये होता है सरकम सब्सक्राइब। अब मैं दोबारा पॉलीगॉन लेता हूँ, POL एंटर करता हूँ, नंबर ऑफ साइज में इसको देता हूँ 6 और स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ये देता हूँ इसको। अब सर्कम स्क्राइड पे क्लिक करता हूँ,
और ये देखिए मैं इसको यहाँ पे इसको भी 5 देता हूँ रेडियस, 5 आ गया। अब सर्कमस्क्राइब इसका फंक्शन देखिएगा, एन एंटर। अब इनके मिड पॉइंट से मिड पॉइंट जोड़ेंगे तो वो इसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा। अगर ये आपके पास मेन पेयर बन रहे हैं, दो दो के पेयर बन रहे हैं, तो फिर मेन 6 है, 6 अब मेन 2, 2 के पेयर बन रहे हैं, तो वो इजी है। आप सेंटर पॉइंट और ये देखिए एंड पॉइंट आप जोड़ें तो ये इसका सर्कल सेंटर पॉइंट आ जाता है। अगर ये मेन पेयर नहीं बन रहे ताक हैं, मेन 5 हो गया है या 7 हो गया, तो उसमें आप क्या करें, एक का मिड पॉइंट और दूसरे का एंड पॉइंट, मिड पॉइंट एंड पॉइंट आप जोड़ के उसको आप इसका रेडियस दे सकते हैं। तो मैंने 5 यहाँ पे दिया था, तो मैं सी एंटर करता हूँ, 5 इसको मैं रेडियस देता हूँ, देख सकते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अब फ़र्क ये है इन दोनों में कि दो जो फंक्शन थे, इस एक में हमारे पास पॉलीगॉन है। अब देखिए एक जो हमारे पास एनस्क्राइब्ड है, एनस्क्राइब्ड एन सर्कल है, तो वो देखिए वो पॉलीगॉन जो है उसका जो रेडियस है वो सर्कल से बाहर आ रहा है, कॉर्नर में जोड़ रहा है। जबकि सर्कमस्क्राइब जो हमारे पास पॉलीगॉन है, इसकी जो शेप है, इसकी शेप जो हमारे पास है, ये इसमें सर्कल जो है तो उसके अंदर इसके साथ टच कर रहे हैं। तो ये फंक्शन है इसका कि इसका रेडियस बाहर की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा और इसका रेडियस जो है वो अंदर की तरफ आएगा। इसका जो रेडियस है इसके कॉर्नर में आएगा, मिड पॉइंट, ये जो यहाँ पे मिड पॉइंट है, बल्कि जबकि इसका रेडियस जो है वो यहाँ पे इसके एंड पॉइंट में आएगा, देख सकते हैं। तो ये इन दोनों में फ़र्क है, सर्कमस्क्राइब और एनस्क्राइब में फ़र्क है ये वाला। तो ये था जी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में भी आप रेडियस कैसे मेजर कर सकते हैं और इसकी भी आपको समझ आ गई कि इसका फंक्शन क्या होता है, इस पर कैसे काम कर सकते हैं। पॉलीगॉन के बारे में और भी मज़ीद समझने के लिए और वो डिटेल्स समझने के लिए आप मेरे ऑटो कैड मैकेनिकल के लेसन्स भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी लेसन नंबर जो है तो 12 ही होगा, लेसन नंबर 12 वहाँ पे देखें ऑटो कैड मैकेनिकल में, और आपको कंप्लीट डिटेल से आपको पॉलीगॉन के बारे में समझ आ जाएगी, पॉलीगॉन आप कैसे ड्रॉ करते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है। तो ये था जी पॉलीगॉन के ऊपर कंप्लीट डिटेल से आपको समझाया। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे और नेक्स्ट लेसन में एक और नए टूल के साथ आएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस पर बार बार प्रैक्टिस करें, और मैं एक और बार आपको पॉलीगॉन अप्लाई करके दे देता हूँ। PUL एंटर, नंबर ऑफ साइड में पहले 6 दे देता हूँ, एंटर करता हूँ, और स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन पे क्लिक करता हूँ, एनस्क्राइब पे क्लिक करता हूँ, और रेडियस इसका मैं देता हूँ जी 5 या 10 देता हूँ। ओके, फिर मैं पॉलीगॉन लेता हूँ, PUL एंटर, एंटर, नंबर ऑफ साइड में इसको देता हूँ जी 5, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन आर। अब आर में एज देख सकते हैं, एज पहले था जी हमारे पास स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का सेंटर पॉइंट दे या फिर एज जिसको दें, तो आप एज पे क्लिक करें, ही एज आ गया, और स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ एज, आखिरी पॉइंट से क्या हो, और मैं यहाँ से ये भी क्लिक करता हूँ और यहाँ से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखें ये इसका एंड पॉइंट आ गया, स्पेसिफाई सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ एज, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये सेकेंड पॉइंट का आ गया एज। तो ये मेरे दो मेरे पास यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो गए। तो एड से क्या होगा कि जितना आपने एड जिसके दिए होंगे, इस किसी ना किसी एड से ये हमारे पास सर्कल ड्रॉ होगा, जबकि दूसरे में क्या है कि सेंटर पॉइंट से हमारे पास सॉरी पॉलीगन सेंटर पॉइंट से ड्रॉ होता है। दोबारा समझाता हूँ, 5 है, एड्स पे क्लिक करें, अगर आप सेंटर लेते हो तो देखें सेंटर पॉइंट से एन सब्सक्राइब पे सेंटर पॉइंट से देखें ये बन रहा है। अगर आप सेंटर पॉइंट नहीं लेना चाह रहे तो आप क्या करेंगे, एड्स पे क्लिक करें, तो किसी न किसी एड से ये देखें एड से मेरे पास बन रहा है, देख सकते हैं मूव जिस तरह करूँगा, जिस साइड पे मूव करूँगा उस साइड पे मूव होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ जोड़ना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं इसके साथ जोड़ना चाह रहा हूँ ये, तो उसके लिए देखें पॉलीगन 5 एड्स, देखें इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में जोड़ दिया मैंने, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में जोड़ दिया मैंने, तो देखें मेरे पास यहाँ पे इस तरह बन गया, देख सकते हैं।
देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, जुड़ गया। तो आप इस तरह भी इसको पॉलीगन शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह भी ड्रॉ करना चाहें आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, एड से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। और इसका सेंटर पॉइंट लेने का तरीका वही है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।